जो भी जिनका नाम आपने बोला है मैं इनको जानती नहीं हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंटरव्यूज देखने चाहिए कि मैंने वो जो केस था वो राजेश्वरी मोरे पे किया था, यू नो 100 करोड़ का, क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजियों से बात करा, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए. तो और वो झूठ बोल रहे हैं कि उन पे मैंने केस किया. मैंने वो दूसरी जो लड़की है, दिन में भैया और रात में सैया, जो जो एज हम नौटंकी करके जो राखी बांधने का नाटक कर रहे हैं, ये लोग मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उनको. और एक तरफ जो है कल्याण जरा प्रेस काउंसिल में ये भी कहते हैं मेरे ब्रांड को बदनाम किया गया है, राखी जो है खुद 2700 लोगों को लेके अवार्ड जो है दे रही है, स्टिकर निकाल के. इससे क्या राय है? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हो. उनको मेरे सामने लेकर आइए. देखिए, जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, है ना? तो मैं चलती हूँ, मेरे पीछे 1000 कुत्ते भौंकते हैं. मैं किस किस का जवाब दूँ और किस किस को काटूँ ना? और जिस दिन मैं काटने जाऊंगी उसके इंजेक्शन भी नहीं बने होंगे. मैं कल्याण जरा ने ये भी कहा है कि अगर मेरे ब्रांड को बदनाम किया जाएगा मैं अगले की सुसाइड कर लूंगा, उन्होंने ये भी कहा है. तो उसको बोलिए सिर्फ करेला खा के दिखाए कच्चा, उसके बाद में बात करेंगे. राखी सावंत के पास हर सवाल का जवाब है, क्योंकि राखी सावंत सच्ची है. अब तो मुझे अल्लाह अब्बा पिता खुदा का आशीर्वाद भी मिल चुका है, और आज आप मेरा लुक देख रहे हैं. पहले मुझे लगा था कि मैं अबाया पहनूंगी तो मुझे बॉलीवुड में कोई खड़ा नहीं करेगा, बॉलीवुड में मुझे कोई काम नहीं देगा, और जब मेरे सर पे खुदा का हाथ है, देश की जनता का हाथ है, अल्लाह का हाथ है, तो चाहे मैं ऊपर से नीचे तक ढकी भी रहूंगी तो मेरी जो रज़ाक है, जो मुझे मेरी रोजी रोटी है, खुदा मुझे ऐसे भी दे देगा जी. देखिए, बहुत ही मेरे सॉन्ग्स, मेरी वेब सीरीज, मेरी फिल्में आने वाली है. और किसने कहा कि एक लड़की जब अबाया ऊपर से नीचे तक टक्कर आती है, अबाया पहनकर आती है, बॉलीवुड उसे साथ नहीं देता? मैं इस बात को एकदम गलत साबित कर दूंगी. आज आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल अरबी लुक, एक इस्लामिक लुक मैं लेकर आई हूँ. इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि सब ने कहा है कि मैं उमरा करके आई हूँ तो अब मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. तो मैं खुदा से मैं दुआ करूँगी कि, और पूरे देश से जितने भी इस्लामिक लोग जो इस्लामिक नहीं है उनसे भी दुआ करूंगी कि मुझे ऐसे कपड़ों में ही बॉलीवुड में काम मिल जाए. बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मीडिया का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मुस्लिम भाई बहनों का और सारे हिंदू भाई बहनों का. सुना है अभी के किसी ने मुझ पर 200 करोड़ का केस किया हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए. मेरी कीमत 500 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो 500 करोड़ का केस करो, करना है तो 200 करोड़ क्या है? इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2023 राखी सावंत. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड की, कि हमारे जो मेरे फेवरेट क्रिकेटर भज्जी, जो हरभजन जी, जो इन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए, और हम जैसे जो हम इतनी मेहनत करते हैं सालों साल, और उन्होंने उनके पवित्र हाथों से, उन्होंने हमें जिन हाथों से वो इंडिया को जिताते आए हैं, चौके छक्के लगाते आए हैं, और क्या बोलते हैं, बॉलिंग खतरनाक करते आए हैं उनकी जो मैदान में, उन्हीं हाथों से आज मैंने ये अवार्ड लिया है. बहुत ही ग्रेट मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ, पावरफुल महसूस कर रही हूँ. फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे.